हाय फ्रेंड्स, मैं शर्मिष्ठा और सकल की शुभ नववर्षेर अनेक अनेक शुभेच्छा। तो आज मैंने जो मेकअप किया है बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट से किया है, तो चलिए देख लेते हैं इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैं क्या क्या यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो यूज़ करूँगी वो है रोज़ वाटर। वाटर को सेट करने के लिए थोड़ा टाइम दूंगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का सी एंड ई सीरम। तो उसको हल्के हाथों से मैं लगा लूँगी स्किन पे, तो गले पे भी थोड़ा लगा लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी हिमालय का एक जेल मॉइस्चर। सभी जो प्रोडक्ट यूज़ करी हूँ उसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद हिमालय का लिप बाम और स्किन को अच्छे से डैब 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 करके उसको एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा टाइम दूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का प्राइमर। तो प्राइमर को अच्छे से स्किन पे हल्के हाथों से लगा लूँगी। लगाने के बाद मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है फाउंडेशन। यहाँ पर मैं दो फाउंडेशन यूज़, दोनों फाउंडेशन को अच्छे से हाथों में लेकर दोनों फाउंडेशन को अच्छे से मैं मिक्स्ड कर लूँगी पहले। उसके बाद ही मैं स्किन पे डॉट डॉट करके पूरे फेस में लगा लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर को, रोज़ वाटर से भिगो लूँगी। उसके बाद इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है कंसीलर। तो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ मेवलिन का। तो सभी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद उसको ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद आईब्रो को फिल कर लूँगी। तो फिल करने के बाद अच्छे से दोनों आईब्रो हल्के हाथों से मैं फिल कर लूँगी। उसके बाद क्लीन लुक देने के लिए मैं आईब्रो के साइड में थोड़ा सा कंसीलर लगा लूँगी और उसको भी हल्के हाथों से ब्लेंडर की मदद से मैं ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद अगर क्रीज आईज़ के नीचे बहुत ही जल्दी क्रीज हो जाता है तो थोड़ा सा पाउडर लगा लूँगी। उसके बाद मैं पाउडर कंटूर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर समर टाइम पे पाउडर कंटूर ही प्रेफर करती हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद पाउडर कंटूर के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ट्रांसुलेंट पाउडर सेट करने के लिए। उसके बाद मैं नोज़ को कंटूर करूँगी। देखिए मैं नोज़ और उसके बाद जो ब्रश होता है उसके साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट जो मैं थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा लेकर मैं ट्रांसलेंट पाउडर आइज़ के नीचे थोड़ा लगा लूँगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप। तो क्रीज लाइन पे मैं हल्का लाइट ब्राउन एक सेट लगाऊँगी अच्छे से, तो ब्रश की मदद से। उसके बाद थोड़ा फिंगर मैं यूज़ करूँगी, जल्दी ब्लेंड हो जाता है फिंगर की मदद से। उसके बाद मैं देखिए दोनों आईज पे किया हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्लैक कलर, जिसको मैं आई लिट के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी थोड़ा सा स्मोकी लुक देने के लिए। तो अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट में वही कलर मैं दूसरे आई पे भी लगा लूँगी अच्छे से। उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और देखिए ब्लेंड मैंने किया हुआ है। और उसके बाद थोड़ा सा क्रीज के ऊपर दोनों कलर, एक हल्का सा पिंक और एक लाइट ब्राउन कलर, क्रीज लाइन पे अच्छे से लगा लूँगी। और लैस लाइन पे भी मैं सेम कलर लगा लूँगी। उसके बाद जो एक्सेस प्रोडक्ट रह गया है उसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर लूँगी। और उसके बाद काजल लगा लूँगी और विंग आईलाइनर। उसके बाद मैं फॉल्स आईलाइनर यूज़ किया हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मैरून कलर का एक लिपस्टिक, और इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एप्पल ऑफ द चीक्स ब्लश। तो ब्लश एप्लीकेशन के बाद थोड़ा सा ग्लोई लुक देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। ये एक बेविलिन का एक हाइलाइटर है। और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद थोड़ा टाइम देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए ये है मेरा लुक कम्प्लीट। पहला बुशक का लुक अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और पूरा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, प्लीज़ चेक कर लीजिए। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।